बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल खैर खरीत से, उम्मीद करता हूँ कि खैर खरीत से होंगे। और आज एक छोटी सी डिश है वो बनानी है हमने, मगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिश है और बहुत ही हेल्दी डिश है, बहुत ही बनाना आसान है। उसका नाम है मिंट सैलड और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। सारे ही नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं और आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप उनको डेली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं सारी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी चलें जो है वो बनाने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। ये सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हमने तैयार कर लिए हैं, आपके सामने हैं। सबसे पहले कुकम्बर है, फिर उसमें हमने एप्पल लिया है, उसके बाद हमने लेटस लीव्स लिए हैं, ग्रीन लीव्स भी हैं और रेड लीव्स भी हैं हमारे पास। उसके बाद थोड़ा सा हमने अनियन लिया है और टोमेटो है और ग्रीन चिली है। उसके बाद जो है हमारे पास लेमन जूस है और सबसे जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है आज वो है मिंट, उसको हमने चॉप करके रख लिया था। तो आप देख सकते हैं सारी ही नेचुरल चीज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, तो बनाना भी इंतहाई आसान है। सारी चीज़ें सबके पास अवेलेबल होती हैं और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही हेल्दी चीज़ है। तो चलें इनको स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बाउल में ऐड करूँगा। कुकम्बर बहुत ही हेल्दी चीज़ है, फाइबरस है और जो ख़ास तौर पे भी जो जैसे कि गर्मियों का मौसम है उसमें तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप जो बॉडी का वाटर लेवल होता है उसको भी मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं तब भी बहुत अच्छी है ये आपके लिए। उसके अलावा आप नॉर्मल वैसे भी डेली बेसिस पे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एप्पल ले लिया जी, तो एप्पल्स ऐड कर दिए। उसके बाद जो हमारे पास लीव्स हैं, लेटस लीव्स, उनको ऐड कर दिया हमने। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, सारी ही आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी आपकी पूरी होती हैं और डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं सारी। और लास्ट में टोमेटो और ग्रीन चिली। जी तो अब हम इसमें जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट है वो मिंट, उसको हम ऐड कर लें। उसको हमने चॉप करके रखा हुआ था और एंड पे हमने लेमन का जो जूस है उसको ऐड कर दिया इसमें। चीजें तो ये इनाफ है वैसे, मगर आप चाहें तो उसमें जो है आप ग्रीन चिल्ली ऐड करें, ज़्यादा करें या थोड़ी करें वो भी आप पे डिपेंड करता है। उसके अलावा आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, नमक भी आपने हस्बे जायका जो है वो यूज़ करना है। उसके अलावा आप, मैं तो इसमें जो है काली मिर्च जो है वो भी फ्रेश पिसी हुई वो भी यूज़ करता हूँ। जी तो ये रेडी है हमारे पास, देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही हेल्दी चीज़ है। अब इसमें एक और है कि मैं इसमें कभी चने भी ऐड कर लेता हूँ मगर कभी नहीं भी करता। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है चनों से या कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको तो आप चने भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं वो भी यूज़ करता हूँ इसमें, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें करें या ना करें। ये आप देख सकते हैं बहुत ही नेचुरल और बहुत ही गजाइत से भरपूर चीज है, लाजमी ट्राई करें आप इसको। जब आप डाइट प्लान करें तो आप इसको कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस पे आप जो आपका जो लंच का टाइम होता है उस पर आप इसको यूज करें, या जब आप दोपहर के बाद जब आप स्नैक्स वगैरह का प्लान आप करते हैं उसमें आप यूज करें इसको। जितने भी इसमें इंग्रीडियंट्स हैं सारों की अपनी अपनी अफादियत है, बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं सारी।